नमस्कार, मेरा नाम है वीर चौधरी जी का छोटा बेटा। उम्र में जरूर छोटा हूं पर सीरत में नहीं। जैसा कि सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ मर्दों का राज चाले है, हमारे यहाँ हमारी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं ले। बहरमपुर एक क्राइम कैपिटल है और इसीलिए कोई बाप अपनी छोरी में यहाँ ब्याह ना चाहे। अब के गए इसीलिए यहाँ दुल्हन डोली में ना बोरे में आवे। Welcome to Glitz Vision. Let me tell you, it's been actually long time since we have seen you back on the small screen. So just tell me that left, right, left, then Maina Bolungi and now Gulab. So what actually made you said yes to Gulab? That too after so many times. Purely the concept and the producers. Mm-hmm. Purely because of that. I genuinely believe in their vision, their storytelling. I'm a huge fan of Saurabh Tiwari. Okay. Personally. I'm just so happy and lucky कि हम काम कर रहे हैं साथ में। कम से कम 6-8 महीने हो चुके हैं जिसको। तो 8 महीने पहले ही ऐसे हुआ था एंड ही सेड कि और काम करें एंड सो आई हैव। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। और एज एन एक्टर मुझे जब कोई भी स्टोरी सुन के या कोई नरेशन सुन के ऐसा होता है तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो काम करें और कोशिश की है। सो आई बीन वेरी पेशेंट एंड इट्स अ फैबुलस स्टोरी। बहुत मज़ा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन टर्म्स ऑफ द पंचेस, इन टर्म्स ऑफ द वे द सीन्स आर रिटन, द वे दे आर डेल्ट। You would realize that it's not something that you really see every day. Right. Tell me something about your character in Gulab. We can see it's really, really bad. Just tell. He's a bad ass. He's a mean ass. Uh-huh. He's a ferocious guy. He's short tempered. He's extremely strong physically. Wrestler hai. Aur prince hai of Behrahimpur, jahan par behrahmi sabse pehle hoti hai. Aur which is and crime is a way of life. सो वो है और जहाँ क्राइम इज़ अ वे ऑफ लाइफ है और वो वहाँ का प्रिंस है तो आप सोच लीजिए वो सभी कुछ लीड कर रहा है। तो दैट इज़ दैट एंड इट्स रियली नाइस। सो आई जस्ट इफ यू सी मी फ्रॉम माय लास्ट शो और फ्रॉम लास्ट थिंग आई डिड, जस्ट आई हैव ट्राइड ट्रांसफॉर्मिंग माय सेल्फ। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काम करूँ। क्या तैयारी हुई और क्या किसी की कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लिया आपने, देखा किसी कैरेक्टर को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैं कभी कैरेक्टर्स नहीं देखता हूँ। आई जस्ट वॉच फिल्म्स टू रियली इंस्पायर माई सेल्फ एज एन एक्टर। और मैं इस कैरेक्टर के लिए किसी और किरदार से इंस्पायर नहीं हुआ। बट व्हाट हैज हैपेंड इज कि क्योंकि जब हमने ये लिखा है, जैसा कि मैंने कहा मैं 6-8 महीने से इस पर रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद लिखी हैं कैरेक्टर के लिए, जो मेरी आदत है क्योंकि आई जस्ट बिलीव इन राइटिंग कैरेक्टर्स। So I've trained in horse riding, I've trained in wrestling, I've trained in just various kinds of physical training in terms of changing the way I look as a wrestler. तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मसल मास गेन किया मैंने साथ के लोग। उसके लिए मैं आई स्टॉप ड्रिंकिंग कम्प्लीटली। Are you happy with that part? I'm very happy. Okay. I love alcohol. I love alcohol. but I also love the fact that I have not had it for last 4.5 months. Mm-hmm. Because Veer is a teetotaler, so that's why I stopped having alcohol. And तो उसूलों का पक्का है और काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी रिच है। तो अगर आप इतने सारे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम साथ में मिला दें उसे तो आप सोच लीजिए वो कितना ज़्यादा बैडएस हो सकता है और कितना मीन हो सकता है। तो वही है। People still remember you for the character of Hudda, which you portrayed in Left, Right, Left. Do you think आपका जो ये character है, लोगों को वो याद तो रहेगा, लेकिन exceed कर देगा? I hope कि ये exceed करे। मैंने जितनी Hudda में मैंने डाली थी उससे 10 गुना ज़्यादा इसमें मैंने डाली है। Genuinely, personally भी और professionally भी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबको ये उससे भी ज़्यादा पसंद है। You can't compare the two characters, right, definitely. But I just would want you to love. You would see another side of me and I'm sure if you like, I believe that you would like it and I hope that. तो मुझे तो है मज़ा आ रहा है, 16 जनवरी की वेट कर रहा हूँ। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द लव दैट यू बीन शावरिंग एंड इट्स एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग टू कंटिन्यू वर्किंग हार्डर टू बी एबल टू ब्रिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड टू बी एबल टू
really make you sit in front of television and continue watching us. So please continue supporting us and continue loving us.